खतरों के खिलाड़ी के सेट पर क्या वाकई में शिव और अर्चना के बीच में झगड़ा हुआ? खबरें आई थी कि शिव ने अर्चना को गाली दी, उसके बाद अर्चना रोने लग गई, अर्चना को बहुत बुरा लगा और जब अर्चना ने शिव से ये जानना चाहा कि वो इस तरीके से उसके साथ बिहेव क्यों कर रहा है, तो शिव ने एक बार फिर से अर्चना का मजाक बनाया, जिसके बाद वो इतना हर्ट हुई कि पूरी कास्ट एंड क्रू के सामने रोने लग गई। तो ये अब खबरें आई थी, लेकिन अब इन खबरों का सच क्या है? इन खबरों पर अब सुम्बुल ने रिएक्ट किया है और क्या कहा है उसने शिव और अर्चना की इस फाइट पर, मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पे बताऊंगी। तो ये काफी ज्यादा बड़ी बात है कि शिव अर्चना को परेशान कर रहा है इस तरह की जो खबरें आई। तो अब सुम्बुल कल स्पॉट हुई मुनावर का जो सॉन्ग था मदारी उसके लॉन्च पर, तो जब सुम्बुल से पूछा गया तो उसने कहा कि देखो हमें हर एक चीज मालूम नहीं है, ना कि वहां पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो हम लोग कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते हैं, ये बात हुई होगी नहीं हुई होगी, ये गलत है सही है, तो वो जो भी हुआ है वहां पर ही हुआ है, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, और मुझे सिर्फ इतना पता है मैं तो अभी भी शिव को सपोर्ट कर रही हूँ और मैं तो यही चाहती हूँ कि वही जीत कर आए। तो ये बात जो है कह दी है सुम्बुल ने कि उसको इस फाइट के बारे में भले ही कुछ पता नहीं हो, पर वो अगर चाहती है तो सिर्फ यही बात कि ये शो अगर कोई जीतना चाहिए तो वो है शिव ठाकरे। तो एक बात तो तय है कि शिव ने आखिरकार अर्चना के साथ इस तरीके से बिहेव किया नहीं किया, इस बात को लेकर चैनल की ओर से किसी तरह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन एक बात है कि सुम्बुल जो है और शिव बिग बॉस में मिले, मंडली का हिस्सा बने, बाहर आने के बाद इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड और प्यार देखने को मिल रहा है वो काफी प्रीशियस है, लोगों को बेहद पसंद भी आ रहा है, यानी कि लोग शिवसुम ये जो हैशटैग है ये भी लोग जो है काफी ट्रेंड करते हैं, और एक बार फिर से सुम्बुल ने शिव को सपोर्ट किया है।